भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में अगले वर्ष आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में हम आपको बता दें तो विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन ऊपर स्तर की बातें करें तो बिहार में दो युवा चेहरे हैं सीएम कैंडिडेट के लिए। अब ऐसे में दो युवा चेहरे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक है आरजेडी के जो अभी मोर्चा संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव, और वहीं पर दूसरी ओर है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। दोनों की ही बिहार में एक अच्छी खासी पकड़ है और दोनों में से कोई भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार आई थी 17 महीने के लिए, तो तेजस्वी यादव ने कई युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी और उसी वक्त से तेजस्वी यादव को कहा जाने लगा था कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो तेजस्वी यादव एक और जहां युवाओं के काफी ज्यादा चहेते हैं, उनको जो उन्होंने 17 महीने में जो सरकारी नौकरियां दी थी उसको लेकर, अब चिराग पासवान भी उसी राह पर चल रहे हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान भी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अभी आप हमारे स्क्रीन पर इस पोस्ट को देखिए जिस तस्वीर को खुद चिराग पासवान अपने सोशल मीडिया पर हैंडल किए हैं और उन्होंने लिखा है कि रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। आज त्रिवेंद्रम केरल में प्रधानमंत्री रोजगार मेला के दूसरे समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुआ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार युवाओं के बेहतर रोजगार हेतु प्रतिबद्ध है। तो देखिए एक और जहां चिराग पासवान भी युवाओं को रोजगार देने की बातें कर रहे हैं और युवाओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी युवाओं को नौकरी देने के लिए जाने जाते, क्योंकि जब तेजस्वी यादव की सरकार आई थी महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीने में ही युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। अब इसको लेकर हालांकि विवाद है कि वो नीतीश कुमार जी ने दिया या फिर तेजस्वी यादव ने दिया, ये बात की बात है। लेकिन उसके बाद से बिहार में एक पहल की शुरुआत हो गई कि युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सिपाहियों को पत्र भी बांटा, नियुक्ति पत्र भी दिया और शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र बांटा। तो कह सकते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने 17 महीने में रोजगार दिया उसके बाद से एक पहल की शुरुआत हो गई जिसको लेकर जितने भी सरकार के लोग हैं कहीं ना कहीं ये समझने लगे कि बिहार में वाकई बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है और इन सभी मुद्दे पर सरकार को सोचना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि दोनों ही तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान भी दोनों ही युवाओं के बारे में अब कहीं ना कहीं सोचने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव रोजगार देते आ रहे थे अब चिराग पासवान भी रोजगार दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कंपटीशन दोनों युवा चेहरे के बीच में काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि युवाओं का ये मानना है और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव सभा आयोजित करते हैं तो उस सभा में सबसे ज्यादा अगर भीड़ होती है तो वो युवाओं की होती है, क्योंकि जो युवा लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि तेजस्वी यादव फिर से उनके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, फिर से उनके लिए कुछ ऐलान करेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान भी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हाई अप हो गया है, क्योंकि रोजगार को लेकर दोनों ही काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बिहार में दो युवा चेहरे हैं सीएम कैंडिडेट के लिए और दोनों ने ही एक ही मुद्दे को चुना है, वो है रोजगार, सरकारी नौकरी। अब ऐसे में जनता खास करके जो युवा लोग हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि कौन सी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी तो वो ज्यादा रोजगार देगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो रोजगार देगी। क्योंकि एनडीए के तौर पे अगर बातें करें तो एनडीए में चिराग पासवान है जो कि अब उसी राह पर चल रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने चुना था, और तेजस्वी यादव की बात करें तो इंडिया गठबंधन में है जो कि 17 महीने में ही काफी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दिए थे। अब ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही युवा चेहरे काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देसवा न्यूज। धन्यवाद।